8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में तत्कालीन सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। वहीं आज़ादी के समय भारत के पास 9 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इसमें से 3 रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के पास चले गए। उस समय रेडियो की पहुंच केवल देश की आबादी की 11% थी, जबकि आज की बात करें तो रेडियो की पहुंच 99% है। देश भर में 262 रेडियो स्टेशन के जरिए भारत की 99.18% आबादी तक इसकी पहुंच है। वहीं 25 से भी ज़्यादा भाषाओं में 100 से भी ज़्यादा देशों में आकाशवाणी के जरिए प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का समाचार विभाग रोज़ाना अलग अलग भाषाओं में 647 समाचार बुलेटिन का प्रसारण करता है। 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने पहली विदेशी उड़ान भरी थी। ये उड़ान भारत और ब्रिटेन के बीच थी। करीब 5000 किलोमीटर का सफ़र करते हुए विमान कायरो और जिनेवा दो जगहों पर रुकी थी और 10 जून को लंदन पहुंची थी। इस उड़ान में कुल 35 यात्री थे, जिनमें JRD टाटा और जामनगर के नवाब आमिर अली खान भी शामिल थे। विमान को मालाबार प्रिंसेस नाम दिया गया था और इसके कैप्टन KR गुजदर थे। मालाबार प्रिंसेस 40 सीटों वाला लॉकहीड L-749 था। यात्रियों से भारत से लंदन तक के सफर के लिए 1720 रुपए लिए गए थे। बता दें कि एयर इंडिया का पहले नाम टाटा एयरलाइंस था, जो देश की आज़ादी के पहले से ही देश भर में डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ाती थी। टाटा एयरलाइंस के मालिक थे JRD टाटा। भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी और फिर इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया था। अब तक हो रहे डोमेस्टिक फ्लाइट के बाद एयर इंडिया की ये पहली उड़ान अंतर्राष्ट्रीय थी, जिसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे। इसके लिए एयर इंडिया ने नए स्टाफ की भर्ती भी की थी, साथ ही जिनेवा, कायरो और लंदन में नए ऑफिस भी खोले गए थे। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करें अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करें अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF में सवारे अपना भविष्य। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। RKDF यूनिवर्सिटी भविष्य को लेकर परेशान है? RKDF यूनिवर्सिटी है इसका हल। PhD MPhil किसी भी विषय में। डिप्लोमा के अनेक अवसर है RKDF यूनिवर्सिटी में। एडमिशन्स ओपन। RKDF यूनिवर्सिटी। एजुकेशन ग्लोरीफाइज नेशन। 8 जून 2000 को कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के सेंट एंड चर्च में 2 बम धमाके हुए थे। इस धमाके के बाद सिलसिलेवार तरीके से देश के कई अन्य जगहों पर स्थित चर्चों में धमाके हुए थे। यही कारण था कि इस धमाके को सीरियल चर्च ब्लास्ट बोला जाता है। कर्नाटक के चर्च में ब्लास्ट होने के बाद आंध्र प्रदेश और गोवा के चर्च में भी ब्लास्ट हुए थे। इन सभी ब्लास्ट की जिम्मेदारी दीनदार अंजुमन नामक एक संगठन ने ली थी। वहीं करीब 1 महीने के बाद यानी 9 जुलाई को जगजीवन राम नगर के एक चर्च में धमाका करने के बाद ये संगठन जब लौट रहे थे, तब इनके साथ बड़ा हादसा हो गया था। जिस वैन से ये लौट रहे थे उसमें रखे बम फट गए थे, जिससे मौके पर ही 3 आतंकियों की मौत हो गई थी।
बताया जाता है कि आतंकी जिस रास्ते से आ रहे थे वो बहुत उबड़ खाबड़ थी, इस वजह से बम फट गए थे। वहीं बाद में कोर्ट ने इस पूरे कांड में 23 लोगों को दोषी ठहराया था। वर्ष 2014 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 7 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। 8 जून 1955 को सर टिम बर्नर्स-ली का जन्म हुआ था। उन्हें WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज करने के लिए जाना जाता है। सर टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। सर टिम बर्नर्स-ली ने सूचना प्रबंधन एक प्रस्ताव नामक एक पेपर प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने हाइपर टेक्स्ट को इंटरनेट के साथ जोड़कर एक ऐसी प्रणाली बनाई थी जिससे विश्व स्तर पर सूचना का आदान प्रदान और वितरण किया जा सके, और इसे ही वर्ल्ड वाइड वेब नाम दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला वेब ब्राउजर और एडिटर भी बनाया था। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने 20 दिसंबर 1990 को नेक्स्ट कंप्यूटर पर दुनिया की पहली वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट में उन्होंने सर्वर सेटअप का डिटेल दिया था। इसके अलावा उन्होंने वेबसाइट पर शेयर किए गए डेटा को एक्सेस करने के तरीके भी बताए थे। हालांकि इस वेबसाइट को लाइव 6 अगस्त 1991 को किया गया था। वेबसाइट का नाम था info.cern.ch, जो आज भी एक्टिव है। सर टिम बर्नर्स-ली ने ये पहली वेबसाइट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बनाई थी। इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ब्राउजर का उपयोग कैसे करते हैं और वेब सर्वर कैसे सेट कर सकते हैं, साथ ही अपनी खुद की वेबसाइट कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई थी। 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूक फैलाना है। पहली बार विश्व महासागर दिवस का प्रस्ताव 8 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में ग्लोबल फोरम में रखा गया था। हालांकि 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। इसके बाद 2009 में पहली बार हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया। दुनिया में कुल 5 महासागर हैं, जिनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। इस दिवस का उद्देश्य है जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु परिवर्तन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालना और महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में दुनिया में जागरूकता पैदा करना, साथ ही महासागरों को बचाने और उन तरीकों को इस्तेमाल करने पर भी जोर देना जिनसे महासागर के संसाधनों की कम से कम क्षति हो।